ओके करें स्टार्ट लीनियर रिग्रेशन का सम हम लोग अभी करेंगे, बट उसके पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं राइट ना। ये चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड है फॉर्मूला बेस्ड, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूलाज क्लियर हुए चैप्टर बहुत ईजी जाएगा। फॉर्मूलाज तुम लोगों के सामने है तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ ध्यान में, ठीक है। देखो इस चैप्टर में ना हमारे पास तुम लोगों ने ऑलरेडी 11th में ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट सीखा था, लाइक आर वाला कांसेप्ट याद आ रहा है। आर दैट इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ वाई समथिंग, छोड़ कुछ याद नहीं है, है ना, ठीक है। वी आर हैविंग द टू इक्वेशंस, इस चैप्टर में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट वन इज अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। देखो इक्वेशन अगर समझा तो फॉर्मूला आप बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, बस थोड़ा कांसेप्ट याद रखना होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, क्या बोला है, y ऑन x बोला है, मींस वी कैन से दैट y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ व्हाट, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड है, y ऑन x बोला ना, तो हमारा y डिपेंड है x के ऊपर, दैट्स व्हाई y ऑन एक्स। ये क्लियर हो गया, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू दिया रहेगा तो अकॉर्डिंग टू एक्स वाई का वैल्यू चेंज हो सकता है। जिस तरह से एक्स दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वाई इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज वाई इज डिपेंड ऑन व्हाट, एक्स। ये क्लियर हो गया। ओके अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा, फिर इसको इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, क्या बोला गया वाई ऑन एक्स। इसको बनाने के लिए कंसेप्ट या तो शॉर्ट कट या तो पॉइंट का याद रखेंगे, y माइनस y बार इज इक्वल टू, y था ना इसलिए पहले y लिया, ओके क्या हुआ, y बार क्या, y बार मतलब एक्चुअली मीन होता है बराबर ना, बट यहाँ पे हम लोग y बार मतलब y कंसीडर करेंगे आगे जाके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो y बार मीन्स वी कैन से दैट मीन ऑफ y, x बार मतलब x ऑफ मीन ऑफ x, वो कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अभी y माइनस y बार इज इक्वल टू b y ऑन x है, ठीक है, नहीं है तो ये बनेगा b y x इन ब्रैकेट अगेन x माइनस x बार। ये इक्वेशन आप याद रखो, इक्वेशन कैसे प्रिपेयर किया, अभी इसको मैं इक्वेशन फॉर्म कैसे हुआ वो नहीं बता रही हूँ, बस आपको मैं शॉर्ट कट में बता रही हूँ कि इस इक्वेशन को हम लोग याद कैसे रखेंगे। क्या दिया है, y ऑन x बोला है, तो पहले आना चाहिए y और बाद में होना चाहिए x। y के लिए पहले y माइनस y बार इज इक्वल टू y ऑन x है, इसके लिए क्या बनेगा, b y x होगा एंड दिस इज अबाउट x माइनस x बार, क्लियर हो गया। वही अगर हमारा इक्वेशन है x ऑन y, चलो बताओ कैसे बन सकता है, बोलो पहले x क्या आएगा, x माइनस x बार इज इक्वल टू b x y एंड फिर क्या बनेगा, y माइनस y बार। समझ में आया, यहाँ तक लिखा हुआ क्लियर है, ओके। अब इसमें अगर हम लोग सोचेंगे ना, तो सबसे पहले x बार मीन्स वैल्यू ऑफ व्हाट, वेरिएबल x, वेरिएबल x का जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग x बार में डालेंगे एंड y बार का मतलब होता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ व्हाट, वेरिएबल y। क्वेश्चन में आपको y एंड x वेरिएबल का वैल्यूज दिया रहेगा तो वो बस वहाँ पे पुट करना होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब y आपको इक्वेशन बनाना है, नॉर्मल इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस तरह से इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है कि नहीं, नॉर्मली ये फॉर्म होता है इक्वेशन का, ये सो नो। तो इक्वेशन का फॉर्म बनाएंगे तो x एंड y में कुछ, यहाँ पे x में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वो हम लोग पुट करेंगे, राइट। अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये दो इक्वेशन समझे आपको, बोलो y ऑन x क्या है हमारा, y माइनस व्हाट, y बार इज इक्वल टू y ऑन x, इसके लिए y पहले बाद में x एंड x माइनस x बार, और x और y के लिए क्या बनेगा, x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इन ब्रैकेट y माइनस y बार। ये दो इक्वेशन आपको यूज करें। अगर इनकी वैल्यूज चाहिए तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, इस इक्वेशन का हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, इस इक्वेशन में हम लोग इनका कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करने के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कैसे होगा बताऊंगी, ठीक है। अब इसमें और कौन सा वैल्यू चाहिए, और आपको बी वाई एक्स का वैल्यू चाहिए, तब जाके हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और इसके हम लोगों को बी एक्स वाई का वैल्यू चाहिए तब हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब ध्यान दो वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो y ऑन x के लिए y माइनस y बार और ये आया बी वाई एक्स। तो देखो बी वाई एक्स का फॉर्मूला बनता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर, बराबर ना। इसको कैसे याद रखेंगे, सेकंड वर्ड वेरिएबल क्या है, x है, तो नीचे क्या आएगा, x आएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हो, राइट ना। अब बोर्ड पे ध्यान दो, पहला हमारा था बी वाई एक्स, इसका फॉर्मूला बनेगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। और वही अगर हम लोग सोचे बी एक्स वाई का फॉर्मूला, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई राइट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। फर्क समझ में आ रहा है, दोनों फॉर्मूलाज में हमारा न्यूमरेटर सेम, चेक कर।
तो हम लोग जितना भी फॉर्मूला यूज करेंगे ना इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, न्यूमरेटर इज द सेम, बस डिनोमिनेटर चेंज होगा. अब डिनोमिनेटर को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे सेकंड वर्ड जो है ना सेकंड वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट. बीवाई एक्स में एक्स था सेकंड वेरिएबल तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे वाई था तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर. ये समझ में आया. ओके, अब हम लोग पहला फॉर्मूला देखते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वन वन कैसे यूज होगा. हम लोगों को चाहिए वॉट, बी वाई एक्स. इसका फॉर्मूला एन क्या है कैसे मैं बताऊंगी. एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. फॉर्मूला को आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट. बस याद कैसे करेंगे, या तो कॉलम्स कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बता सकूँ. क्या फॉर्मूला हमारा, समेशन ऑफ एक्स एंड वाई. हम लोगों को क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा ना वो सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सम वैल्यूज ऑफ वाई गिवन. समझो इनका फाइव वैल्यूज है, इनका फाइव वैल्यूज है, बराबर ना. कुछ भी रैंडमली लेते 5, 9, 2, 3, 4, और वाई का वैल्यूज ये है 10, 13, 3, 2 एंड 9. ये सब वैल्यूज आर गिवन फॉर एक्स वेरिएबल एज वेल एज फॉर वाई वेरिएबल. ये समझ में आया, ये आपको समझो क्वेश्चन में देख के रखा, राइट. अब यहाँ पे एन कितना हो जाता है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, काउंट करो जरा 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर, क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बोलो, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5. लॉजिक समझ में आया, राइट. मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूला की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसमें का एन मैंने आपको बता दिया. तो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्वेश्चन जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा उस क्वेश्चन के डेटा में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये क्लियर हो गया. और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली दिया रहेगा तो वो लिखेंगे, जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आए. चैप्टर कौन सा है ये बताओ जरा, चैप्टर नंबर ये क्लियर हो गया जो भी बताया. अब हम लोगों को चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई. समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब है एक्स इंटू वाई का टोटल. तो और एक वेरिएबल क्या बनेगा, क्या हो गया, जा दे दो, देखो दिख रहा है आपको क्या है यहाँ पे एक्स एंड वाई, उसका क्या चाहिए हम लोगों को, समेशन. तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई वेरिएबल का आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 10 × 5 वॉट 50, है ना, 13 × 9 जो आएगा वो. तो ये हो गया, और एंड में क्या आएगा इसका टोटल, और इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स इनटू वाई. ये समझ में आपको है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई हो गया. अब माइनस का माइनस ठीक है, फिर क्या दिख रहा है आपको, समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई. समेशन ऑफ एक्स का मतलब इसका टोटल, समेशन ऑफ वाई मतलब इसका टोटल. तो दिस इज द समेशन ऑफ एक्स, दिस वन इज द समेशन ऑफ वॉट वाई, क्लियर. और वो दोनों यहाँ पे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड एन इंटू दिस. तो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू दिस वी गॉट वन वैल्यू, बीच में माइनस है, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या फिर माइनस करके आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा. समझो आप वैल्यू, राइट है, कंफ्यूजन है वापस बता देती हूँ. n इज अ व्हाट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, 5 थे. इसके बाद जो हम लोग को लिखने का समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये टोटल हम यहाँ लिखेंगे, और दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन, राइट है. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो एक टर्म मिल जाएगा, बीच में क्या है माइनस. समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई, तो समेशन ऑफ एक्स ये है, समेशन ऑफ वाई है, दोनों का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जाके पूरा टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म माइनस, यू गॉट न्यूमरेटर, डन. समझा, अब नीचे देखो ये क्या था, एक्स था, तो ये जो भी डेटा रहेगा ना पूरा एक्स से रिलेटेड है. क्या दिख रहा है अगेन, एन. एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए. तो यहाँ पे और एक कॉलम कौन सा बनेगा, एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, है ना, 9 × 9 = 81, 2 × 2 = 4, और एंड में करेंगे इनका टोटल, इनको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट है, हाँ समझा, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला. तो समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर निकालो, उसका टोटल करो, वो यहाँ पुट करो, इसको मल्टीप्लाई करो एन के साथ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. समेशन ऑफ एक्स मतलब ये है, समझो इसका टोटल आ रहा है, एज्यूम कर लेते हैं 20, तो इस 20 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, राइट. और वो यहाँ आएगा, दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दो, देन किसी को कुछ डाउट है, फॉर्मूला समझ में आया, यस और नो, अब ध्यान दो 2 मिनट के लिए. ये था हमारा पहला फॉर्मूला, इसके ना अलग अलग फॉर्मूले तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते. अब सेकेंड वाला देख लेते, बोलो क्या डाउट है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया रहेगा हमको, ये बोल रहे हो ना, दिस मीन्स न्यूमरेटर एंड दिस मीन्स डिनोमिनेटर,
और ये और है, ये फॉर्मूला मतलब ही है यूज करने का, या तो और, अभी देखो वापस क्या लिखा और, तो हमारे पास ना देखा गया तो देखो 1, 2, 3 and 4 फॉर्मूला, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, बी वाई एक्स सेम आता है, राइट। तो दिस इज अ वन फॉर्मूला, बट हम लोग कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यूज नहीं कर सकते। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स मतलब ये न्यूमरेटर हो गया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर, राइट है। तो अब दूसरा फॉर्मूला देखो, बी वाई एक्स का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला। अभी इसके लिए कॉलम कैसे बनेंगे, आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, x and y, some observations are given, समझ लो 1, 2, 3, 4 and 5 data given, right है, okay? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है आपको, ये x है ये y, क्या दिख रहा है x minus x bar, how you can find out x bar is equal to summation of x upon n, समझा? Summation of x मतलब ये जो x है उनका क्या किया जाएगा, total, उसको बोलते हैं summation of x, क्लियर है। उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, समझो इनका टोटल आ रहा है 20, तो ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर हाउ मच, 5, क्लियर है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करके जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, x बार, और समझ में आ रहा है x बार इज इक्वल टू व्हाट, 4, ये समझा आपको, बोलो फटाफट, क्लियर है। इसके बाद y माइनस y बार चाहिए, तो इसके लिए वापस से क्या चाहिए, y bar चाहिए, y bar कैसे मिलेगा, y bar is equal to summation of y upon n, तो summation of y मतलब y का total, उसको number of observation से divide करेंगे, you got the y bar, दोनों values समझा, how you can find out the x bar and y bar, दोनों clear है, okay। अब ये पहला bracket क्या दिख रहा है, वो bracket बनाना पड़ेगा, x minus x bar, तो समझो x bar आपको 4 मिला था, और assume कर लो यहाँ पे value है 3, तो x means what, 3 minus 4, ये क्या है, 4, तो 3 माइनस 4 कितना आता है, माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 1, तो x में से आप x बार माइनस करेंगे, x माइनस x बार, x माइनस x बार, आपको ये वैल्यूज मिलेगा, राइट है। फिर y माइनस y बार के लिए क्या बनेगा, वही y माइनस y बार कुछ तो निकाला होगा, और y मतलब ये वैल्यूज, तो इस y में से y बार माइनस करके आपको ये डेटा मिलेगा, राइट है, यस और नो। उनका क्या करने वाले हम लोग, मल्टीप्लिकेशन का समेशन, तो और एक फॉर्म क्या बनेगा बताए, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब यहाँ पे समझो माइनस वन है, यहाँ पे 2 है, एज्यूम कर लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस वन माइनस 2, एंड देन उसका टोटल जो आएगा ना वो सीधा न्यूमरेटर में आएगा, इजी है ये, समझा कि नहीं समझा, क्या डाउट है बोलो, समझ रहा है कंसेप्ट, समझ रहा है, ओके। डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन बहुत इजी है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ना ये x का स्क्वायर करके उसका टोटल, मतलब सारे पूरे x, सारे x का हर एक का अपना अपना स्क्वायर बनेगा, उसका टोटल डायरेक्टली यहां पे आएगा, देन ओके। अब ये बहुत इजी है, क्या है ये x माइनस x बार का स्क्वायर, आपने x माइनस x बार निकाला था उसका स्क्वायर करने का, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1, यहां पे समझो 3x, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9, और एंड में मतलब यहां पे और एक कॉलम बनेगा x माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो ये जो है ना उसका यहां पे क्या बनने वाला है, स्क्वायर बनने वाला है, राइट है, समझा नहीं आता, और फिर हम लोग उसका क्या करेंगे एंड में टोटल, और वो टोटल यहाँ पे आएगा, राइट। फॉर्मूला यूज करने के लिए ये ज्यादा सिंपल है इसके कंपैरिजन में, राइट। इसमें वैल्यूज ना छोटी बनती है, कम बनती है, रिड्यूस होती है इसमें वैल्यूज, तो कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ये भी समझ में आया। तो नॉर्मली आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एनी डाउट इन दिस, बोलो फटाफट, ओके। अभी देखो ये हो गया, अभी तीसरा वाला फॉर्मूला मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, और है तो और ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स इंटू वाई का टोटल डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, तो एक्स बार मतलब ये, वाई बार मतलब ये, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इनको डिवाइड करके जो वन टर्म आएगा, माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन, हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में अभी ये क्या था, बी वाई एक्स था ना, ऑब्जर्व करो डिवीजन में ना सारे जगह पे एक्स ही है, तो यहाँ पे भी एक्स है, क्या आएगा फिर, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, देन समझ में आया, ओके। अब इसको मैं नीचे को रफ कर रही हूँ, आपको ये समझा फॉर्मूला, अभी इसी बेसिस के ऊपर आप दूसरा फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, आप ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, अभी बी एक्स वाई कैसे मिलेगा, ये आपका बी एक्स वाई है, आपका न्यूमरेटर देखो ना क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सेम है कि नहीं है, तो सारे फॉर्मूलाज का न्यूमरेटर सेम, अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर क्या आएगा, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स कॉमा एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, देन
होल डिवाइडेड बाय, बस फर्क क्या है यहाँ पे क्या है बोलो, वाई। तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा वाई, तो बस एक्स के बदले में वाई पुट करो, बाकी सब सेम, मतलब एन डॉट समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, सही है। ओके, अगर हम लोग नीचे का फॉर्मूला यूज करना सोचा तो उसके बारे में क्या सोचते, बी एक्स वाई इज इक्वल टू न्यूमरेटर सेम, कोई फर्क नहीं, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था y है ना, तो समेशन ऑफ x के बदले में क्या लिखेंगे y माइनस y बार का होल स्क्वायर देन, और अगर मैं इसके बारे में सोचूं इस फॉर्मूला का अपोजिट तो वो कैसे आएगा देखो, न्यूमरेटर सेम, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन है माइनस एक्स बार डॉट y बार होल डिवाइडेड बाय, सही है, यहाँ पे x है उसके बदले में क्या आएगा y, बनाओ फिर समेशन ऑफ y अपॉन n, समेशन ऑफ y का स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार का होल स्क्वायर, समझा, तो बस आपको ये याद रखने का है, ये याद हो जाएगा तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बी वाई बी एक्स वाई को वो आप खुद बना सकते हैं, राइट है, और इनको याद करने के लिए स्पेसिफिकली आप कौन से दो फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस वन एंड ये तो मेन, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बट ये यूज नहीं होता, ये यूज कब होगा पता है, अगर आपने क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू देखे रखा तो डायरेक्टली ऊपर वाला यूज होगा, राइट, बट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मीन्स दिस और दिस और दिस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मीन्स this or this or this, then clear it, chale kare sort, okay, perfect, okay, exercise 3.1 ka first question, the HRD manager of the company wasn't to find out the measures which he can use a fixed to monthly income of the person applying for the job in the production department, as a experimental project he collected data for 7 persons and formed that the department referring to years to service for their monthly income, okay, now year of services mein kya dekhe rakha hai x, matlab x jo data hai wo hamara year of services hai, usme unhone bola 11 years 7 years 9 years 5 years 8 years 6 years and 10 years and monthly income given in 1000, to agar koi person 11 years ke liye kaam karta hai to uska income hai 10000, right, तो x is equal to number of year and y is equal to monthly income which is given in the question, क्या question में देखो x is equal to what, उन्होंने question में दिया है, मैंने कुछ अपने मन से नहीं बोला, x is a what years available, हाँ ना, तो 11 years का service है, अगर 11 years का service करते तो उनको कितने का income मिलेगा 10,000 का, और कुछ नहीं है, उसके बाद find the regression equation of income on year of services, पहला sentence क्या दिया है, find out the regression equation, चलो ये sentence बताओ मैं copy कर रही हूँ, क्या दिया sentence, पहला वाला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ व्हाट, इनकम ऑन इयर्स ऑफ सर्विस, इनकम ऑन इयर्स ऑफ सर्विस, ओके, अभी इनकम मींस व्हाट, इनकम मतलब क्या एज्यूम करके रखा है बता, इनकम मींस व्हाट, एक्स की वाई, वाई ऊपर के टेबल में देखो पता चलेगा, तो ये बनेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन ऑन ईयर ऑफ सर्विस, क्या अपने लिए एक्स, तो इक्वेशन कौन सा बना वाई ऑन एक्स, राइट, अब वाई ऑन एक्स के हिसाब से इक्वेशन क्या बनता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई पहले एक्स बार में और कुछ नहीं, एंड एक्स माइनस एक्स बार, डन, समझा, अब इनको सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए, पहले डेटा को देखते हैं, डेटा बताओ चलो फटाफट, एक्स देके रखा है वाई देके रखा है, एक्स एज वेल एज वाई, एक्स क्या बताओ 11 7 9 8 6 एंड 10, नेक्स्ट वन बोलो 10 के बाद 8 देन 6 5 9 नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया 10 8 6 10 8 6 5 9 7 11 और इस साइड का फिर 11 7 9 5 8 6 7 10 9 5 8 6 10 बातें मत करो लास्ट को लिखा हुआ समझा कुछ नहीं किया क्वेश्चन को कॉपी किया इक्वेशन समझा कैसे बनाया बोला उन्होंने क्या इनकम ऑन व्हाट सर्विसेज ऑफ इयर्स तो इसके सबसे वाई ऑन एक्स है अभी ये सब कुछ ठीक है पहले चाहिए बी वाई एक्स तो बी वाई एक्स के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे बी वाई एक्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इन ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स है ना तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर राइट है फॉर्मूला आप कोई भी यूज करो आंसर आपको सेम मिलेगा बट ये कैलकुलेशन पे थोड़ा इजी जाता है ओके अब x मींस x माइनस x बार चाहिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा x बार कैसे आता है समेशन ऑफ x अपॉन व्हाट n तो समेशन ऑफ x मतलब मुझे समेशन ऑफ x करना पड़ेगा चलो करो फटाफट समेशन ऑफ x
आप करोगे कैलकुलेशन ना प्लीज। ये समझ में आया? सेम आपको चाहिए बाद में y बार भी चाहिए, तो y बार भी निकाल देते हैं। y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन व्हाट n, राइट है? समेशन ऑफ y मतलब y का क्या होना चाहिए टोटल, चलो करो टोटल। सेम 56 आया, राइट ना? तो यहां पे आएगा 56 अपॉन व्हाट 7, क्यों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन 7 है, तो ये भी कितना है 8, तो y बार इज इक्वल टू आल्सो 8, दो वैल्यूज मिला, तो x बार मिला y बार मिला, राइट है? अब क्या चाहिए? x माइनस x बार चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम बनेगा x माइनस x बार, तो सी x इज व्हाट 11 एंड x बार इज व्हाट 8, सोचो फिर 11 माइनस 8 कितना आता है, डायरेक्टली लिखो, ये ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं है, 7 माइनस 8 कितना आएगा माइनस 1, 9 माइनस 8 ओनली 1, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 8 माइनस 2 एंड 10 माइनस 8 ओनली 2, डन। इसका टोटल करने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बोला आगे, अब क्या चाहिए y माइनस y बार चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y माइनस y बार, y माइनस y बार के लिए y अपने पास 8 है, y बार कितना है वापस से 8, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 5 माइनस 8 माइनस 3, 9 माइनस 8 ओनली 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 11 माइनस 8 3, डन। अब हम लोगों को क्या चाहिए, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का टोटल चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का टेबल बनेगा x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वॉट वाई बार, तो एक्स माइनस एक्स बार का मल्टीप्लीकेशन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6, 1 0 0 माइनस 2 इंटू 1 ओनली माइनस 2 बराबर ना, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 0, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और इनका करने का है मुझे टोटल, चलो करो पहले माइनस को सॉल्व करो, पहले प्लस का टोटल करो, 23 माइनस 2 बराबर ना कितना आएगा 21 ओनली, तो इसका टोटल मिल गया, जो आपको न्यूमरेटर मिल गया पूरा का पूरा, सही है? समझा कि नहीं? अब क्या चाहिए, x माइनस x बार के स्क्वायर का समेशन, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस x बार का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर बनना चाहिए, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, अगेन 3 3 जा 9, पता है ना माइनस का सब पॉजिटिव बनता है स्क्वायर में, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, चलो करो टोटल 28 आ रहा है टोटल, तो यहाँ पे आया 28, अब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला था उसको वापस से लिख के तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ होल ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, नाउ इसका टोटल आपको डायरेक्टली मिला कितना 21 डिवाइडेड बाय, इनका टोटल कितना मिला बोलो 21 डिवाइडेड बाय 28, अब आपको कैलकुलेशन करने का है, कर सकते हो 21 डिवाइडेड बाय 28, कैलकुलेट करो, चलो करो अब मुझे बताओ फटाफट कितना आ रहा है, 21 डिवाइडेड बाय 28 कॉमन टेबल्स अगर करेंगे तो आपको क्या मिला बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.75, अगर आपको पॉइंट में नहीं चाहिए तो आप इसको 3/4 रखे तो भी चलेगा, समझा कि नहीं समझा, पॉइंट में भी ले सकते 3/4 भी रख सकते,
क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन. आपको सब सॉल्व नहीं हुआ, आपको इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन पता आपका ये है. अब चलो वैल्यू पुट करते हैं. y माइनस y बार लिखेंगे रिग्रेशन, लास्ट रो इक्वेशन y ऑफ y ऑन व्हाट x, y माइनस y बार इक्वल टू bx इन ब्रैकेट x माइनस x बार. तो y का y ही आएगा. y बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बताओ कितना y का. माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 का 75% 6 ही आता है ना, राइट. ओके, अब इनको सॉल्व करने का है. नंबर्स को एक साइड में लेके आओ. y इज इक्वल टू 0.75x माइनस 6 प्लस 8. तो y इज इक्वल टू 0.75x प्लस माइनस, हाँ हो गया इक्वेशन समझ में आया. तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया, y is equal to 0.75x plus 2. आ गया ना इक्वेशन. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था y is equal to a plus b और x होना चाहिए, मिल गया. a means some number, b means some number और x का x, राइट है. या तो ax plus b, one and the same, राइट. समझा कि नहीं, तो इसको छोड़ो अभी, बस इसको याद रखो. अब पॉइंट नंबर टू में जाओ. क्या पूछा है, what initial start would you recommended for a person applying for a job after the having a served a similar capacity in another company for 13 years? What is the given? Data में क्या दिया? Years दिया कि income दिया? Income. Question को read करो, point number 2 को. आपके question में क्या पूछा? What is the initial start would you recommended for a person applying for the job after having a served in a similar capacity in another company for 13 years? तो what years given ना? तो years means what? मतलब क्या था, सर्विस था. तो नंबर ऑफ सर्विस मीन्स एक्स की वाई, एक्स. तो आपके क्वेश्चन में हम लोगों को एक्स दे के रखा है. क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 13 ईयर्स. और उन्होंने ये बोला है कि अगर उसका एक्स 13 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ऐसे सिचुएशन में उसको कितना सैलरी ऑफर किया जाएगा. तो हम लोगों को क्या निकालने का है, वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यस और नो, राइट. तो वाई और एक्स ना, वाई यहाँ पे दिया है ना, तो y का इक्वेशन मिला. जब x का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको x का वैल्यू पुट करने का इसी इक्वेशन में. तो y इज इक्वल टू 0.75 इनटू 13 प्लस व्हाट, 2. तो 0.75 इनटू 13 करो प्लीज, आप लोग करोगे, मैं नहीं करने वाली, सारे कैलकुलेशन में ही करो. करो 0.75 इनटू 13, फटाफट करो. 9.75 और ये इनकम है उसका. तो y इज इक्वल टू 11.75, बट y थाउजेंड में दिया है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिटेल्स में लिखने का तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11000. यस, तो y इज इक्वल टू 11750. तो इसको इतना इनकम देना चाहिए. यूनिट क्या देना है इसको, रुपीस, सैलरी है ना ये. तो ये क्या रहेगा, रुपीस. पहले रुपीस लिखो, बाद में ये लिखना. डन, अब तो समझ में आया क्या किया वो. तो अभी याद रखना क्या है, पहला y है और x है, बोर्ड पे ध्यान दो. y on x है, तो आपको x का वैल्यू दिया रहेगा y निकालने का, तो y on x. और अगर y का वैल्यू दिया रहेगा x निकालने का, तो x on y, राइट. समझा ये वाला सब, बहुत इजी था. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर लूं, आप लोग सॉल्व करने वाले. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y एंड y on x. क्या बोला है, x on y as well as y on x. इसका मतलब बोर्ड पे ध्यान दो. पहले हम लोगों को चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. पहले लेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एंड x माइनस x बार, सेम लाइक दिस. पहले आप निकालेंगे बी वाई एक्स, बोर्ड पे ध्यान दो. बी वाई एक्स के लिए पहले निकाला होगा बी वाई एक्स. बी वाई एक्स के लिए टेबल बनाओ, बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखो, x माइनस x बार, y माइनस y बार. तो पहले x बार y बार,
एक बार वाई बार मिल गया, वैल्यूज पुट किया, वी वाई एक्स मिल गया इक्वेशन में पुट किया इस वाले, और सॉल्व किया, आपको एक इक्वेशन मिला, राइट है। ये हो गया कौन सा वाला इक्वेशन, वाई और एक्स। दूसरा इक्वेशन क्या बोला उन्होंने, एज वेल एज एक्स ऑन वाई। तो सेकेंड वाला इक्वेशन जो बनेगा उसको लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इक्वेशन बोलो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू वी एक्स वाई इन ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार। इसमें आपको क्या चाहिए, वी एक्स वाई चाहिए, राइट ना। वी एक्स वाई के लिए देखो सिर्फ आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सेम होगा एज इट इज कॉपी यहाँ पे, राइट है। तो न्यूमरेटर सेम कॉलम और कुछ नहीं, बस फर्क क्या बनेगा, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वापस पूरा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, इसके साइड में और एक कॉलम बना दो, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और वो वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मूला भी यूज करो, राइट। समझा कि नहीं, ओके ये हो गया। अब आगे देखो क्या पूछा है, बस इतना ही है, कर सकते हो इक्वेशन निकाल लेंगे, थर्ड वाला बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। रुको थर्ड वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर द सर्टेन बाइनरी डेटा ऑन फाइव पेयर्स, फाइव पेयर्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, फाइव। फॉर फाइव पेयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो, समेशन ऑफ एक्स इज 20, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 20, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इज गिवन। अभी हम लोग थोड़ा अलग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर ना, वो वाला पहला वाला पता है ना फॉर्मूला, वो यूज करेंगे, मतलब ये एन समेशन ऑफ एक्स वाई, राइट है, डॉट माइनस समेशन ऑफ x इनटू समेशन ऑफ y, मतलब समेशन बाहर ले लो चाहिए तो वो भी चलेगा, x इनटू व्हाट, समेशन ऑफ y होल डिवाइडेड बाय, अगर vy x है तो नीचे x आएगा, बराबर ना, यस और नो, और x में क्या आएगा फॉर्मूला बता, vy x में नीचे x, हां, n इनटू समेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो डेटा दिया ना वो क्या दे रखा है, x दे के रखा है, y दिया है, समेशन ऑफ x y दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कर सकते हो, राइट। समझा कि नहीं समझा। और क्या क्या निकालना है, कोवेरियंस ऑफ x y निकालना है, कोवेरियंस ऑफ x y मींस व्हाट, ओनली न्यूमरेटर, नहीं आपका vy x का फॉर्मूला क्या होता है, is equal to covariance of x comma y whole divided by standard deviation of plus x plus square, ये formula होता है। आपको पूछे सिर्फ ये पूछा, मतलब बस numerator निकाल के रखो, right, मतलब ये बस numerator लिखो और उसका value निकाल दो, हो गया covariance of x y। दूसरा क्या पूछा है, v y x and v x y, आप कर सकते हैं, right ना, और r, r मैं खुद बताऊंगी, r अलग है, बोलो क्या नहीं समझा, आपको question में क्या पूछा है वो देखिए एक बार, आपको सिर्फ ये पूछा है तो आपको बस न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल के रखने का, ट्राई करोगे, नहीं समझा तो मैं करते, मतलब ऊपर का वो जो दिया है वो इक्वल टू करके जो आएगा वो, समझा। और आर पूछा, आर में बताऊंगी कैसे करना है, आर का फॉर्मूला भी बहुत ईजी है पर फिर भी मैं बताऊंगी, पहले इतना करो चलेगा, तो बता दो आर का फॉर्मूला अभी के अभी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट वैल्यूज क्या है, बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई, बस समझा, आर मिल जाएगा, मतलब बी वाई एक्स का आपको जो वैल्यू मिला वो एंड बी एक्स वाई का वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट है, राइट, तो उसका आता है नॉर्मल, तो जो भी आएगा वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट ना, हाँ या ना। जैसे कि यहाँ पे समझो आ रहा है 0.16, तो 0.16 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या आएगा, प्लस माइनस 0.4 आएगा, प्लस माइनस 0.4 आएगा। अभी आप कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस है कि माइनस है, उसके लिए आपको चेक करने का जो आंसर आया बी वाई एक्स ये वाला, उसका साइन कौन सा, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, और अगर ये माइनस है तो ये माइनस, तो लिख दे, समझ में आया, तो लास्ट सेंटेंस है, समझा कि नहीं समझा। ये बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, अगर ये दोनों निगेटिव है तो आर का वैल्यू भी क्या बनेगा, माइनस 0.4, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर का वैल्यू क्या बनेगा, प्लस 0.4, बस और कुछ, मतलब वो दोनों तो वैल्यू, हाँ दोनों के साइन के ऊपर डिपेंड है, जो साइन बी एक्स वाई बी वाई एक्स करेगा वही साइन आर का भी रहेगा कंपलसरी, डन, समझा, हाँ नॉर्मली दोनों साइन सेम आता है, समझा कि नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर फोर,
चेक करो प्लीज. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 125. अब बोला है y निकालो, x दे के रखा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? y ऑन x की x ऑन y, y ऑन x. जो दिया है ना उसको बाद में लेने का, और पहले बाकी रिमेनिंग को फर्स्ट पर, मतलब x दिया है ना तो y ऑन x. y ऑन x मतलब सेम प्रोसीजर वापस से करोगे, राइट है ना, डेटा दे के रखा है. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला देखो. द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड द प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स द 10 वर्क्स सिलेक्टेड एट अ वर्क सिलेक्टेड एट. ठीक है, एप्टीट्यूड स्कोर है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, एक्स से वाई है, अगेन एक्स एंड वाई डेटा देके रखा है. ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेट्स द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर्स हुज टेस्ट स्कोर इज 95. टेस्ट स्कोर का मतलब होता है एक्स, यस और नो, देखो ना ऊपर. और अगर एक्स देके रखा है, वाई निकालना है, तो वाई और एक्स का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, राइट. सेकेंड बोला है द टेस्ट स्कोर निकालना है व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75. तो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मतलब क्या है? y दिया है तो x ऑन y, फर्स्ट का y ऑन x, सेकंड का x ऑन y, कर सकते हो. वही है बस वर्डिंग में घुमा फिरा के, पहले इतना करो फिर आगे का समझाओगे. सब सब सिमिलर है, 7 भी वही है, 8 भी वैसा ही है, 12 तक सब सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, समझा. बस इसमें कभी कभी शॉर्टकट मेथड यूज होता है ना, वो मैं कभी नहीं सिखा रही, शॉर्टकट मेथड का एक्स्ट्रा मैं कल आपको सिखाऊंगी, बट पहले ये आना चाहिए. स्टॉप.